नमस्कार, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। भारत के रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को आज पूरा देश नम आंखों से विदाई दी है। देश ने न केवल अपना एक पूर्व प्रधानमंत्री खोया है, बल्कि एक बेबाक वक्ता, प्रखर पत्रकार, आशुकवि, बेदाग राजनेता, चिंतक, विचारक, राजनीति के आजाद शत्रु और बेहतरीन इंसान खो दिया। वाजपेयी जी का मरुधरा से भी अटल नाता रहा। इस खास पेशकश में हम आज अटल जी के राजस्थान से जुड़े अनछुए और अनसुने पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान, लेकिन उससे पहले पेश है मरुधरा से अटल नाते पर ये खास रिपोर्ट। भारतीय राजनीति के अजात शत्रु अटल बिहारी वाजपेयी का मरुधरा से भी नाता अटल ही रहा। अटल जी ने 1952 में पहली बार मरुधरा पर कदम रखा था। मौका था कोटा में जनसंघ के एक कार्यक्रम का, जिसमें जनसंघ के युवा कार्यकर्ता जुटे थे। अटल जी 1972 में दूसरी बार राजस्थान आए। उस समय वे बाड़मेर के स्कूली बच्चों को भारत पाक सीमा पर लेकर गए और बच्चों को सेना की शौर्य गाथा सुनाई। फिर आया 11 और 13 मई 1998 का ऐतिहासिक दिन। पूरी दुनिया जब बेखबर थी और वाजपेयी जी ने ले लिया परमाणु परीक्षण का अटल फैसला। भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। इस दौरान विश्व में भारत की सशक्त छवि बनी। 18 मार्च 2001 को अटल जी ने प्रदेश को रावतभाटा परमाणु बिजली घर की सौगात दी। अपने संबोधन में वाजपेयी जी ने रावतभाटा परमाणु बिजली घर को विज्ञान का मंदिर बताया था। ख्वाजा साहब में भी वाजपेयी जी की अटल आस्था थी। वे तीन बार जियारत करने अजमेर आए। वे उर्स में हर साल चादर भेजते थे। जनसंघ के दौर में अटल जी तीन बार सीकर आए। 1977 में भैरव सिंह के लिए प्रचार किया और छिपा बड़ौद में सभाओं को संबोधित किया। 1998 में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लाल कृष्ण आडवाणी और कुशाभाऊ ठाकरे अटल जी के साथ साथ रहे। अपने कार्यकाल में अटल जी ने जयपुर को पासपोर्ट कार्यालय की सौगात दी, साथ ही राजस्थान को पहले एक्सप्रेसवे की सौगात भी दी। जयपुर से किशनगढ़ के बीच 6 लेन एक्सप्रेसवे बना, जो कि पुणे के बाद देश का दूसरा एक्सप्रेसवे था। भैरव सिंह शेखावत से अटल बिहारी वाजपेयी के आत्मीय संबंध थे। यही कारण था कि भैरव सिंह शेखावत की पुत्री का कन्यादान खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ये यादगार लम्हे आज भी राजनीति में ताजगी भरती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सीकर में जाट आरक्षण का वादा किया था। सरकार बनने के बाद उन्होंने अपना वादा पूरा किया। अटल जी 15 साल पहले आखिरी बार राजस्थान आए थे, वो भी 2003 में वसुंधरा राजे की परिवर्तन यात्रा के समापन के मौके पर, और जयपुर में वाजपेयी की आखिरी जनसभा यही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और प्रदेश से अटल जी के नाते पर चर्चा और स्मरणों को याद करने के लिए हमारे साथ जुटे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रकाशन छाबड़ा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी और साथ ही वरिष्ठ साहित्यकार लोकेश साहिल जी भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले छाबड़ा जी, आपसे ही जानना चाहेंगे कि पहली बार आपकी मुलाकात कब हुई थी अटल जी से, कब उनके रैली या दौरे पर आप कवर करने गए थे? अटल जी जयपुर में अक्सर आते रहते थे जी। भैरव सिंह जी और उनका एक बहुत ही निकट का संबंध था, वैचारिक धरातल पर भी और जनसंघ का जो उनकी कार्य प्रणाली थी उसको लेकर भी जी। दोनों के दोनों समवयस्क थे, उम्र के लिहाज से भी और वर्किंग के लिहाज से भी। भैरव सिंह जी का मेरे प्रति एक स्नेह भाव रहता था और मैं सबसे पहले भैरव सिंह जी के ही निवास पर उनसे मिला, पर मेरी उनसे कोई बातचीत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन उनको मेरा परिचय जरूर भैरव सिंह जी ने दिया जी। मैं अटल जी को राजनेता से अधिक कवि के रूप में जानता रहा था, उनकी कविताएं पढ़ता रहता था वैसे भी, पर मेरे को याद नहीं है जी। तब मेरे मुंह से निकला भी था एक बात जो याद आज भी, ये अटल जी यदि आप केवल कवि होते, साहित्यकार होते, तो मेरा भरोसा है कि आपको साहित्यिक नोबेल पुरस्कार जरूर मिल जाता। इस तरीके से मेरी पहली मुलाकात हुई
तो इस बात पर हंस दिया कि अच्छा तो मेरे को आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं राजनीति में हूँ। मैंने कहा राजनीति तो अब आपका व्यवसाय हो गया, ये तो अब आपके लिए ज़रूरी हो गया, लेकिन क्या आप समझते हैं कि भैरव सिंह जी और आप राजस्थान में जनसंघ का इतना विस्तार कर लेंगे कि आपका कोई प्रभावकारी प्रभावकारी हो जाए। उनका एक दिन आप देखेंगे कि जनसंघ अपना किस तरीके से स्वरूप बना लेता है। और उसका सबसे बड़ा कारण मैं ये मानता हूँ, भैरव सिंह जी भी अपने आप में जनसंघ के सारे आदर्शों के बावजूद वो बड़े समन्वयवादी थे, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई आधे कांग्रेसमैन तो नहीं है। ये मैं पूरे अपने अनुभव के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो कांग्रेसमैन का है, लेकिन जो आपस का व्यवहार था उसमें लगता नहीं था कि कहीं मैं जनसंघ के एक बड़े बड़े नेता से बात कर रहा हूँ, और यही अटल जी की विशेषता थी। बिल्कुल। श्याम सुंदर जी, आपकी भी कई बार मुलाकात हुई है और प्रदेश से गहरा नाता अटल जी का रहा है, तो किस तरह से जब वो यहाँ रैली कवर करने आते थे या संबोधन देते तो उस समय किस तरह का माहौल रहता था अटल जी को लेकर, और कितना सरल स्वभाव नजर आया आपको उनका? देखिए श्वेता जी, उस जमाने में ना तो टीवी हुआ करता था और संचार क्रांति का इतना युग नहीं था, अखबार वाले हुआ करते थे, कम लोग हुआ करते थे, तो उनका प्रभाव सीधे तौर पर, मैंने उनको अजमेर सर्किट हाउस में एज ए नेता के रूप में उनको परखा और देखा और उनका इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला। उसके बाद मैं भीलवाड़ा जार के सम्मेलन में गया था, तो भी वो प्रतिपक्ष के नेता के रूप में वो आए थे, प्रखर रूप से बोलते थे। राजस्थान से नेता तो उनका बहुत पुराना रहा, 1952 से वो आते रहे यहाँ पर। और भैरव सिंह जी शेखावत से उनका व्यक्तिगत लगाव था, व्यक्तिगत पारिवारिक उनके संबंध थे। जब 1977 में गैर कांग्रेस की सरकार जनता पार्टी की राजस्थान में बन रही थी, उस वक्त भैरव सिंह जी विधायक नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो सर्वमान्य नेता के रूप में पहचाने जाते थे, और विजय राजे सिंधिया और लाल कृष्ण आडवाणी और अटल जी तीनों नेता पर्यवेक्षक के रूप में जयपुर में आए थे, लक्ष्मी विलास होटल में बैठक चल रही थी उस वक्त, क्योंकि ललित किशोर चतुर्वेदी प्रभावी ढंग से हो रहे थे, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन क्योंकि शेखावत के प्रति उनका लगाव ज़्यादा था तो बैठक हुई। बैठक में उनसे पूछा गया कि भाई मेरे को भी कोई अधिकार है क्या बोलने का, मैं भी बोल सकता हूँ क्या, कि नेता किसको चुना गया, अभी चुन लिया गया कि नहीं, चुना तो नहीं गया है। तो ऐसी स्थिति में हरिशंकर भावड़ा ने माइक लिया और सबसे पहले घोषणा कर दी कि भैरव सिंह शेखावत को हम नेता स्वीकार करते हैं। अब ललित किशोर चतुर्वेदी रह गए और भैरव सिंह जी बने, उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद वहाँ छिपा भड़ोस से प्रेम सिंह सिंह भी हुआ करते थे विधायक, उन्होंने इस्तीफा दिया, वहाँ उपचुनाव हुआ और आपके अटल बिहारी वाजपेयी खुद छिपा भड़ोस चुनाव प्रचार में आए और भैरव सिंह जी को जिताने का उनको लिया, और राजनीति में जिस प्रकार से भैरव सिंह जी का सहयोग उन्होंने दिया, जो वो भी उपराष्ट्रपति पद तक गए, और उनकी लड़की की जब शादी थी माथुर चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, वो आए यहाँ पर, उनका स्वागत उसी ढंग से किया गया, उनको प्रतिपक्ष के नेता के रूप में तो नहीं माना जाता, उनको सर्वमान्य नेता के रूप में स्वीकार किया गया, और वो आए तो उनको पंडित जी ने कहा कि साहब आप तो शादीशुदा नहीं है, ऐसी स्थिति में आप कन्यादान नहीं कर सकते, तो उनका मैं पंडित हूँ, पंडित होने के नाते मैं अपनी बेटी का कन्यादान कर सकता हूँ, तो भैरव सिंह जी शेखावत सूरज कंवर के बीच में खड़े होकर के उन्होंने कन्यादान किया था भैरव सिंह जी की पुत्री का। तो ये बहुत सारा लगाव जो उनसे था। अब आप देखिए कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनका वर्चस्व भी उनके पर बहुत रहा, क्योंकि वो राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय में रही और जब उनका नज़दीक से उन्होंने पहचाना और देखा, जब राजस्थान से भैरव सिंह जी को केंद्र में ले जाने पर राष्ट्रपति की बात हो रही थी, तो यह उनका दायित्व किसको दिया जाए, वहाँ निर्णय आपस में संबंध में करके भैरव सिंह जी को कहा कि जब आप आ रहे हो तो मेरे ऑफिस में जो विश्वसनीय नेता के रूप में निखर गई हैं वसुंधरा जी, तो आप इनको ले जाओ और वहाँ पर उनको दायित्व दीजिएगा। वो आए निश्चित रूप से उनके प्रचार में, यानी कि कह सकते हैं कि वसुंधरा राजे को भी यहाँ सीएम बनाना या फिर प्रोजेक्ट करने के पीछे भी एक खास रोल, अहम रोल अटल जी का भी रहा कि मैं रामनिवास बाग की बात कर रहा हूँ। अगर अटल जी की हम बात करते हैं, राजनेता प्रधानमंत्री रहे, प्रखर वक्ता रहे, लेकिन कवि उनके डीएनए में बसता था, उनकी लेखनी, उनका बोलने का तरीका, और जब वो कविता का पाठ करते थे, किस तरह से, क्या कभी आपकी भी उनसे मुलाकात हुई है, मिलना हुआ हो? श्वेता, मैं चंद्रशेखर जी के बहुत नजदीक रहा हूँ और चंद्रशेखर जी से मुलाकातों के नाते अटल जी से भी मेरा कई मुलाकातें रही, कई बार मिलना हुआ। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ जी।
कि अटल बिहारी वाजपेयी पंडित जवाहरलाल नेहरू के जनसंघी संस्करण थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारा साम्य है अटल जी में और जवाहरलाल जी में। जवाहरलाल जी भी लेखक बहुत अच्छे थे, उन्होंने प्रोज में लिखा जो कुछ लिखा। अटल जी कवि बहुत अच्छे थे, उन्होंने पोइट्री में लिखा। और हमारी हिंदी कविता की जो वाचिक परंपरा है और उसका जो मंच है, उसके बड़े शीर्ष कवि अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं। और उनकी प्रस्तुति, उनकी कविताएं, वो अपने आप में इस तरीके से होती थी कि सुनने वाले उनसे बिल्कुल जुड़ जाया करते थे। और उनके मन में एक बड़ी संवेदनशील वाली स्थिति हमेशा रही। एक मशहूर किताब जिसमें उनकी 51 कविताओं का जिक्र है, तो जिन लोगों ने उस किताब को पढ़ा है वो जानते हैं कि उसमें एक कविता है उनकी, जिसमें उनकी एक लूसी नाम की पोमेरियन बिच है, वो खो गई कुछ दिन के लिए और फिर वो मिल जाती है 3-4 दिन बाद। तो उस पूरी घटना को अटल जी ने बाकायदा एक कविता की शेप में लिखा है। और वो कविता पढ़ के मालूम चलता है कि उनके मन में एक बड़ा संवेदनशील मनुष्य बसता था। उनकी राजनीति, जैसा छाबड़ा जी ने कहा कि समन्वयवादी राजनीति जो होती है, उसके प्रखर राष्ट्रभक्त नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। और एक वक्त ऐसा आया था जब पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे मुरली मनोहर जोशी, नेता प्रतिपक्ष हो गए थे एल के आडवाणी, लेकिन उस समय अटल जी ने जिस तरीके से बाउंस बैक किया पॉलिटिक्स में, जब ऐसा लगता था कि अटल जी के युग अवसान आ रहा है और आडवाणी जी का युग जो है वो टेक ओवर कर लेगा सब चीज़ों को, लेकिन देखिए जिन आडवाणी जी की बदौलत भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिला और जब प्रधानमंत्री चुनने का अवसर आया तो केवल एक नाम उपलब्ध था अटल बिहारी वाजपेयी का। और वो इसलिए यूनानिमस रहा वो नाम कि अक्रॉस द पॉलिटिकल बॉर्डर केवल अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे थे जो प्रधानमंत्री रूप में सरकार चला सकते थे। बिल्कुल, और यही उनकी उनका व्यक्तित्व ही ऐसा रहा है कि उसे कोई नकार नहीं सकता। और यही वजह कह सकते हैं लोकेश जी कि विपक्ष भी जो होते थे, विरोधी भी होते थे, उसे विरोधी थे, कोई उनके शत्रु नहीं थे। नहीं, और यही पॉलिटिक्स को अगर देखें श्वेता, तो अटल बिहारी वाजपेयी इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि आज जो विपक्षी है उसको शत्रु की तरह ट्रीट किया जा रहा है। बिल्कुल छाबड़ा जी, भैरव सिंह शेखावत जिस समय यहाँ पर थे और विदेश गए हुए थे, उस समय भी कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा रही थी तख्ता पलट करने की। मैं पहले अपने एक इंटरव्यू आपको बताऊंगा। जी जी जी, भैरव सिंह जी का चुनाव था छबड़ा में, वो मुख्यमंत्री थे पर उनको चुनाव लड़ना था। अटल जी उस चुनाव अभियान के सिलसिले में छबड़ा के लिए आए थे। कोटा में स्थिति ये थी कि मुझे रेलवे कोच से उनको जाना था, अकेले थे, मुझसे अपेक्षा की गई कि मैं उनके साथ रहूं। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी कि विदेश, उस समय विदेश मंत्री थे अटल जी के साथ, मुझे 4 घंटे रहने का अवसर मिला। और उस सारे दौरान बहुत सी बातें हुई, कई तरह की हुई, लेकिन मेन बात में अटल तत्व तो क्या है उससे हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैंने उनसे पूछा था कि मेरी जानकारी में था कि वो कभी अपने छात्र जीवन में स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्य रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं। तो मेरा उनसे सवाल था कि आप स्टूडेंट फेडरेशन से एकदम से आप आरएसएस में कैसे आ गए। उन्होंने बताया कि हाँ ये बात सही है, लेकिन कोटा में कानपुर में वो डीएवी कॉलेज में, वहाँ पर हमारे जयपुर के मिस्टर प्रवीण चंद जैन जो एडवोकेट थे, वे बाद में जी उनके साथ में अटल जी के पिताजी कृष्ण बिहारी जी और प्रेम बिहारी जी, उनके भाई दोनों ही वहाँ पर, ये तीनों विधि में स्नातक होने के लिए पढ़ाई कर रहे थे। अटल जी भी विधि के स्नातक होने के लिए आए और उनके साथ में ठहरने गए। वहाँ पर अक्सर ये बात होती रहती, वो कम्युनिस्ट पार्टी की बात करते और ये लोग उनको फिर उनको इतना प्रेरित कर दिया कि वो कभी कभी आरएसएस में जाने लगे अटल जी। उसी दौरान कानपुर में गुरु गोलवालकर साहब आए थे, वो भी उनके साथ में थे, तो अटल जी को उनसे मिलवाया। मतलब ये पहली जो मुलाकात हुई उसका प्रवीण चंद जी ने भी अपने एक इंटरव्यू में मुझे बताया, जो कि वो डिटेल में मेरे को जो बात हुई अब मैं उसको भी जोड़ देता हूँ इसके साथ, कि अटल जी जब मिले गुरु जी से तो उन्होंने अपनी एक कविता उनको सुनाई और उस कविता का सार ये था कि जिस तरह से
जटा के अंदर से भागीरथ ने गंगा को लिया, वैसे आज आप भागीरथ होकर के इस हिंदू चेतना को, उस गंग प्रभाव को आप अपने गुरुजी बड़े प्रभावित हुए और ये भी अपनी आर्थिक चिंता के अंदर थे, इसीलिए कानपुर गए थे और वकील होना चाहते थे, तो उनकी सारी चिंताएं गुरुजी ने ले ली और कहा कि आज साहब मेरे साथ हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने पत्रकारिता की, तेज नारायण काक के साथ भी काम किया। प्रवीण जी वो थे जिन्होंने जयपुर में आरएसएस की शाखा विश्वेंद्रनाथ भार्गव के साथ कायम की थी। लेकिन आपको ताजुब होगा कि अटल जी तो बन गए आरएसएस के बहुत बड़े नेता और प्रवीण जी हो गए कम्युनिस्ट पार्टी में, इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। खैर, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो आरएसएस में होने के बावजूद जो वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कुछ ही समय के लिए सही, जो छात्र राजनीति में वो स्टूडेंट फेडरेशन के साथ थे, तो उस समय जो वामपंथ का जोर था, वामपंथ के अंदर वहाँ भी एक शिक्षण होता था, बहस होती थी, वो उनके शायद मेरा मानना है कि जो उनमें समन्वय जो आया दक्षिण पंथ के साथ वामपंथ, तो वो कहीं कट्टर नहीं हो सके किसी भी जगह और वो एक हमेशा जिंदगी भर संवेदनशील रहे। मैं आज भी मानता हूँ कि वो जो बचपन में 2-3 साल जो वामपंथ के साथ रहे उसका असर उनका सारे जिंदगी में प्रधानमंत्री थे जब भी रहा, तब भी असर वो नजर आया। बिल्कुल, मैं आज में एक बात और कह दूँ फिर जी, आपको जी जी कि फिर मैं एक बार लखनऊ में मिला उनसे, जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी कि मैं लखनऊ में मेरे चिरंजीव मनोज मेरे टाइम्स ऑफ इंडिया में छायाकार है, तो मैं लेकिन गवर्नमेंट हॉस्टल में ठहरा था, वहीं अटल जी ठहरे हुए थे। तो जब मैं मिला उनसे तो उन्होंने पहला सवाल किया कि आज जयपुर लखनऊ में कैसे, मैंने उनको बताया। फिर मेरे उसने मनोज ने उनकी फ़ोटोएं ली तो उन्होंने मेरे से कहा कि उससे कि तेरे पापा की भी फ़ोटो हमारे साथ ले। शाम को ही एक उनकी चुनाव सभा थी, वो एमपी का चुनाव लड़ रहे थे, मैं उस सभा में पहुंच गया था। तो जब वो मंच पर चढ़ रहे थे मैंने वहाँ का दृश्य देखा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि मैंने कहा अटल जी आप एमपी तो हो गए, तो उनका जो वाक चातुर्य और जो विशेषताएँ वो एक तो होती है जो सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते ही मंच पर, उनका तो अब आप समझ लीजिएगा मैं पीएम भी हो गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अपने भाषण के दौरान भी, फिर बाद में कुछ बोलने के बाद में उन्होंने इसका कहा कि एक जयपुर का एक पत्रकार ने मुझसे कहा कि मैं एमपी तो गया हूँ। तो ये अटल जी की अपनी कुछ एक विशेषताएँ थी और उन विशेषताओं में इसीलिए उनका भैरव सिंह शेखावत, जसवंत सिंह चौधरी इन लोगों का। श्याम सुंदर जी, शिव कुमार पारिक भी काफ़ी अहमियत रखते हैं उनकी जिंदगी में, उनका भी एक अहम रोल रहा है। श्याम सुंदर जी, देखिए श्वेता जी, जयपुर में शिव कुमार पारिक ने उनका बहुत करीबी रहे, वो छोटे भाई बड़े भाई के रूप में रहे, उन्होंने शुरू से अंत तक अभी तक लास्ट तक उनका साथ निभाया और वो उन्होंने जो कुछ उनका कामकाज किया वो जिस प्रकार से उनको देते थे सारी चीज़ें वो उनको करीब रखते थे। अब छोटी बस्ती के रहने वाले थे और वो वहाँ पर राजस्थान इसलिए पहचाना जाता था क्योंकि जयपुर में हमेशा उनको एलएमबी का घेवर पसंद था, यहाँ का मिश्री मावा पसंद था, तो शिव कुमार जी जब भी जयपुर आकर के जाते थे तो वो दोनों चीज़ लेके जाते थे। तो वो बहुत करीब से राजस्थान को, क्योंकि राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो उनको ख्याति मिली परमाणु परीक्षण का जो उन्होंने निर्णय लिया वो पोखरण से ही हुआ और पूरे दुनिया में पहचाने जाने लगे। क्योंकि वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है, एक सवाल है लोकेश जी, जिस तरह से कवि के तौर पर देखा, प्रखर वक्ता के तौर पर देखा, कोई भी अटल जी को भुला नहीं सकता है, लेकिन लोकेश जी अगर राजस्थान के परिवेश में बात की जाए तो सबसे अहम मानेंगे आप कि राजस्थान को ऊपर ले जाने में, राजस्थान को दुनिया भर में पहचान दिलाने में अहम रोल अटल जी का रहा है? भले ही 5 साल के लिए वो प्रधानमंत्री बने लेकिन बहुत कुछ उन्होंने किया जो राजस्थान से जुड़ा हुआ था। नहीं, एक्चुअली भैरव सिंह जी के कारण श्वेता बड़ा उनका निजी लगाव राजस्थान से रहा, क्योंकि भैरव सिंह जी से उनकी व्यक्तिगत मित्रता थी और भाइयों जैसी मित्रता थी,
और आपको याद होगा कि जब भैरव सिंह जी उपराष्ट्रपति बने थे तो उस समय अटल जी ने जो भाषण दिया था कि गांव की माटी आज चंदन बन चुकी है, तो भैरव सिंह जी से जो निजी लगाव अटल जी का था उसका राजस्थान को बहुत लाभ मिला। और दोनों एक समन्वयवादी एटीट्यूड के लोग थे तो उसका यहाँ की मिट्टी को, यहाँ के काम को, यहाँ की ग्रोथ को, हर चीज को फायदा हुआ। और जाहिर है कि जब हम पोखरण की बात करते हैं तो अटल जी को हम भुला नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल लोकेश जी, और यही वजह कि कहा जाता है कि राजनीति में मित्रता नहीं होती है, लेकिन भैरव सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी का हम कह सकते हैं कि एक मिसाल बने ये दोनों कि बिल्कुल कि राजनीति में भी मित्रता होती है, और उसके उदाहरण है ये वो नाम। चलिए अब ऐसा अटल जी के बारे में जब बात करना हो तो वक्त वैसे भी अगर हमें 24 घंटे में मिलेगा तो शायद वो कम पड़ेगा, लेकिन वक्त यहाँ पर हो चुका है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अटल जी अजात शत्रु उन्हें कहा जाता था, और बिरले होते हैं ऐसे लोग कि राजनीति में भी रहें, विपक्ष को भी साथ लेकर चलें, और विरोधी तो बहुत हों लेकिन कोई भी शत्रु ना हो, कोई दुश्मन ना हो। और ऐसी ही शख्सियत अटल जी जो कि आज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, लेकिन सभी के दिलों में, सबके जहन में और यादों में हमेशा अटल जी अटल रहेंगे। चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।